साथियों, आज की कॉन्फ्रेंस या फिर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि देश में शहरों का तेजी से विस्तार और विकास हो रहा है। भारत उन देशों में है जहां बहुत फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते नए घरों की आवश्यकता भी उतनी ही तेजी से महसूस की जा रही है। साथियों, हमारी सरकार ने हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हृदय और अमृत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही शहरों के ट्रांसपोर्ट में बदलाव और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं भी चल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सामने अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से घर बनाने की चुनौती है। साथियों, इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। घर बनाने वालों और घर खरीदने वालों दोनों को ही किस तरह की दिक्कतें आ रही थी उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने फैसले लिए। हमने सबसे ज्यादा जोर एफोर्डेबल हाउसिंग पर दिया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया। तीसरा, हमने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। और चौथा, इन सबके साथ साथ हमने हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दिया।